Hey everyone, my name is Rupen and welcome to Filmcom. और आज हम क्रिएट करेंगे थानोस का पोर्टल इफेक्ट, जो कि हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम में देख चुके हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह का एक वीडियो शूट कर लिया। तो चलते हैं हम अपने पीसी पर और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी पे। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड का लेयर टाइमलाइन में ले लिया। इसके बाद मैंने एक फॉग का इफेक्ट अपने पहले वाले लेयर के ऊपर रख दिया और उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग मोड में जाके इसे स्क्रीन कर दिया और इसकी ओपेसिटी मैंने 20% कर दी। अब मैंने पोर्टल के इफेक्ट को तीसरे लेयर में रखा और इसे अल्ट्रा की के मदद से इसका ग्रीन स्क्रीन हटा दिया। अब मैंने जो वीडियो शूट किया था उसे मैंने चौथे लेयर में ले गया, फिर मैंने मास्क और अल्ट्रा की मदद से उसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया। अब मैंने वीडियो की स्टार्ट में ओपेसिटी का की फ्रेम ऑन किया और शुरुआत में मैंने ओपेसिटी 0 कर दी और जब पोर्टल पूरी तरह से खुल जाता है तो मैंने उसकी ओपेसिटी को 100 कर दी। अब फिफ्थ लेयर में मैंने फिर से फॉग का इफेक्ट रख दिया, फिर से मैंने ब्लेंडिंग मोड में जाके उसे स्क्रीन कर दिया और उसकी ओपेसिटी मैंने 70% कर दी। और मैं आपको बता दूँ, मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद मैंने सभी फुटेज को कलर ग्रेड कर दिया और उसमें साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया। इसके बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरह मिल गया। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आप किसी भी वीडियो एडिटर में इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो काइन मास्टर क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।